बोल। अंदर आ जाओ ना। भाभी कहाँ है? बाहर गई है, आ जाओ। अच्छा तो जनाब आजकल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर ये फूल बांटने लगे हैं। प्यार की खातिर क्या क्या भेष बदलने पड़ते हैं। आज भैया जरा बीमार थे, सोचा इसी बहाने तेरी गली का फेरा लग जाएगा। अच्छा सुन, आज अपने हाथों से गजरा लगाऊं? अरे मगर मेरी चिट्ठी कहाँ है? क्या आज गजरे में डालना भूल गए? चिट्ठी कैसे भूल सकता हूँ। अरे रे रे, ये क्या करते हो? कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, वो चाचा रंजीत चाचा बीमार थे, ये फूल देने आए हैं। फूल देने आए हैं या बिखरने? गजरा खुल के बिखर गया। कैसे बिखर गया? गजरा मेरे हाथ में था, मैं गजरे से खेल रहा था, बस बिखर गया। गजरे से खेल रहे थे? हाँ हाँ, गजरे से। भाभी कल से मैं नहीं आऊंगा, भैया आएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। कल से नहीं आऊंगा भाभी, कल से नहीं आऊंगा। कैसे इधर आ? क्या है भाभी, चिली तरह खड़ी क्यों नहीं होती? खड़ी तो हूँ। ये बता शाम कैसा लड़का है? अच्छा ही होगा। होगा क्या, जो बात दिल में है जबान पर ना बने मार डालूंगी। अरे बुल्ली तू तो सच में रोना शुरू कर दिया। अरे मैं तो यही प्यार से पूछ रही थी, शाम तो से पहले भी मिलता है? कभी कभी कॉलेज आते जाते। पढ़ाई में कैसा है? बहुत अच्छा है। घर बार का कैसा है? भाभी तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, फिर मुझसे क्यों पूछती हो? खानदानी लोग हैं। अच्छा तो तू सब कुछ सोच रखा है? आ जाने दे तेरे भाई को, सब कुछ बता दूंगा। नहीं नहीं भाभी, भैया से कुछ मत कहना, उन्हें तो बात बात पर गुस्सा आ जाता है, मुझे मार डालेंगे। अरे भैया तो तुझे अपने पलकों पर बिठा रखते हैं, और फिर मैं जो हूँ। लेकिन कैसे, ये उम्र कच्ची होती है, भूल चूक से दूर रहना चाहिए, समझे? भाभी